समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रखना ये बात। देश के कट्टरों को, इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। तो इसको इसको आप समझ रहे हैं ना, ये जो नियत है, इस नियत में खोट है। गुजरात में हमारी मां बहनों की इज्जत टूटी गई, बच्चों को मारा गया, और जिन्होंने मारा था वो किस शाखा से आते थे? जामिया में और शाहीन बाग में तो पिस्तौल लेकर चला गया, वो किसकी बात सुनकर चला गया था और किसकी शाखा से आया था? जरा जवाब दे दो। उनके पास अगर अल्फाज है तो हमारे पास जो जुबान है जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते, हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है हमने, मगर इकट्ठा होके चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला, मां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। हैदराबाद से आवाज उठता हूं कि अगर 15 मिनट खत्म कर दिया जाए, छूट दे दी जाए, पुलिस को हटा दी जाए, तो मैं यहाँ के हिंदुओं को दिखा दूँ, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे लगे, आज देश को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का समय आ गया है। 1947 के पहले हमारे पूर्वज देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट की योजना बना रहा था। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता और हिंदू को यहां, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हमारे अंदर अगर भारतवंशियों को भारत में जगह नहीं मिलेगा तो दुनिया का कौन देश है जो उसे शरण देगा? जो प्रोपगेशन आप गलत तरीके से कर रहे हैं उसके लिए आपने इन दादियों को एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया है, उनको आप शेरनी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जब आप उतरेंगे तो न जाने देश में किस प्रकार का माहौल होगा। और अंत में ओवैसी के पार्टी के लोग जो कहते हैं, और मैं तो कहूंगा ये ओवैसी की पार्टी नहीं, खुद ओवैसी ही कहती है, क्योंकि जैसे गांधी फैमिली इज इक्वल टू कांग्रेस, ठीक उसी प्रकार ओवैसी इज इक्वल टू AIMIM। AIMIM कोई ओवैसी जी से अलग नहीं है। तो अंत में ये पार्टी कहती है, ओवैसी जी कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। कौन है ये 15 करोड़ और 100 करोड़? कौन है ये? कौन 15 करोड़ है जो टेक ओवर कर लेंगे 100 करोड़ के ऊपर? देखिए हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है, ये पढ़ी लिखी बुद्धिमान जनता है, जनगणना के विषय में जानते हैं। और आज ये लोग जनगणना क्यों रोकना चाहते हैं, NPR क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते नहीं ये संख्या सामने आए, किंतु संख्या सामने है। किसकी संख्या लगभग 100 करोड़ है, किसकी संख्या लगभग 15 करोड़ है? आप देश को क्या करना चाहते हैं? आप इस प्रकार के विभाजनकारी बयानों को क्यों जारी कर रहे हैं? और आज उसी ओवैसी के पार्टी के वारिस पठान कहते हैं कि 15 करोड़
100 करोड़ पर भारी पड़ेगी। तो इसको इसको आप समझ रहे हैं ना, ये जो नियत है इस नियत में खोट है। अटैक रोकण के जी जो सरकारां कुछ समझन गियां, सरकारां चलदियां एक पासे, पहला तो सरकारां पंजाब पुलिस नूं अगे ला दिंदियां कि तुसीं अतवादियां नूं फड़ो, गर्म ख्यालियां नूं फड़ो, 2020 जिहड़ा पंगे पा रहे उन्हां नूं फड़ो। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿਉ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2%, ਇਹ 2% ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ, ਲੀਡਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਲੋਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਲੋਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਗਿੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ ਉਪਦਰਵਿਓ ਕੋ ਕਿਆ ਖਿਲਾਤੇ ਥੇ, ਬਿਰਯਾਨੀ, और हम क्या खिला रहे हैं, गोली। 10 बजे के पहले मतदान करेंगे तो मित्रों बटन दबाओ, तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। देखिए ऐसे बयान मैं तो मानता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर इसने मीडिया को दिखाया और जिस प्रकार से हाईलाइट किया, शायद डंडा मारने की बात को आप लोगों ने इतना नहीं दिखाया क्योंकि आप उनको जायज मानते हैं। मगर बाकी सब जो आपने कहा वो भी बयान नहीं देने चाहिए, पार्टी ने तुरंत ही अपने आप को अलग किया है। ऐसा होता है नाविका जी की पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कई स्तर से प्रोसेस होकर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पार्टी उनको आगे बढ़ाती है। हर स्तर के कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में होते हैं, कोई कार्यकर्ता कुछ बोल जाता है मगर जनता को मालूम है कि पार्टी कौन है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।